फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद जुनैद और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मेरे पास अक्सर बहुत सारे मरीज आते हैं और मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसी दवाई बताइए जिससे हमारा वज़न घट जाए। तो मैं अक्सर उन लोगों से कुछ सवाल पूछता हूं दवाई देने से पहले, अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले, कि क्या आप नॉनवेज डाइट, फास्ट फूड, जंक फूड और शुगरी प्रोडक्ट को छोड़ सकते हैं? क्या आप पैकेट वाले फूड, पैक्ड फूड्स को, कैंड फूड को छोड़ सकते हैं? क्या आप सिंपल फूड पर आ सकते हैं, साधारण खाना आप खा सकते हैं? क्या आप 30-40 मिनट एक्सरसाइज या वॉक कर सकते हैं? तो लोग जवाब देते हैं कि डॉक्टर साहब अगर इतना कर पाते तो आपके पास आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिर तो हमारा वज़न खुद ही घट जाएगा। तो मैं बिल्कुल उनकी हाँ में हाँ मिला के अपनी बात को बोलता हूँ कि आप ठीक बोल रहे हो। मेरे कहने का मतलब भी यही है कि वज़न घटाने के लिए दवाई पर डिपेंड कम हुई है, नहीं हुई है, मत हुई है, आप अपने लाइफस्टाइल को, अपनी फूड हैबिट्स को ठीक कर लें तो आपका वज़न अपने आप घट जाएगा। समझिए, लोग चलना नहीं चाहते, वॉक करना नहीं चाहते, खाने पर लगाम लगाना नहीं चाहते और वज़न घटाने का सपना देखते रहते हैं, तो ऐसे सपने कभी पूरे नहीं होने वाले। और दूसरी बात, अगर मुझसे आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे ऐसे खाने के बारे में जानें कि क्या कोई ऐसा खाना जो वज़न घटा सकता है, क्या कोई फैट कटर या फैट बर्निंग फूड आइटम्स भी होती हैं? तो बिल्कुल होती हैं, आप उनको इस्तेमाल करें, वज़न खुद ब खुद घटने लग जाएगा। जैसे ग्रेप फ्रूट, ब्लूबेरी, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ग्रीन टी, बीन्स, नट्स, एवोकेडो, होल ग्रेन, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अमूमन बहुत आसानी से आपके घर में या आसपास की मार्केट में मिल जाएंगी। इनको सही तरीके से इस्तेमाल करें और अपने वज़न को घटाएं।